नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AKTM एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत आपको ग्रुप K1 की तैयारी किस तरीके से करनी है। दोस्तों, ग्रुप K1 के थ्रू आपको सिविल इंजीनियरिंग के 3 ईयर्स के डिप्लोमा में सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। तो आज हम जानेंगे कि इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, और कितने मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और हमारे चैनल को पॉलिटेक्निक से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पहले तो देखेंगे एग्जाम पैटर्न, फिर देखेंगे सिलेबस, और फिर देखेंगे कि किस सब्जेक्ट की तैयारी हमको किस तरीके से करनी है, और लास्ट में बात करेंगे कि कितने नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर एक नज़र एग्जाम पैटर्न पे डालें तो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके 400 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन पड़ेगा 4 मार्क्स का अगर वो सही होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। टाइम मिलेगा आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का, जो कि पेपर के लिए आपका सफिशियंट रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस एग्जाम पैटर्न को अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से सेट कर लीजिए अपने माइंड में। अब हम बात आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे ग्रुप K1 के लिए अप्लाई किया है, जो कि होता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको बता दूँ कि 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग से, यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट से, जो कि आपके होंगे 240 मार्क्स के। यानी कि आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आधे से भी ज़्यादा पोर्सन आपका सिविल इंजीनियरिंग कवर कर रही है। तो सिविल इंजीनियरिंग को बहुत ही ध्यान से हमको पढ़ना है। आगे हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको टेक्निकल वाले पोर्शन, यानी कि इंजीनियरिंग वाले पोर्शन, जो कि आपका ग्रुप K1 के लिए रहेगा सिविल इंजीनियरिंग, उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे ITI प्लस 10th करके इस फॉर्म को भरते हैं, उनका टेक्निकल वाला पोर्शन तो मजबूत होता है, बट उनका थोड़ा सा PCM वाला पोर्शन कमज़ोर हो जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। बट जो लोग 12th PCM से इसका फॉर्म भरते हैं ग्रुप K1 का या K2 का, तो वहाँ पर उनका जो टेक्निकल वाला पोर्शन होता है वो कमज़ोर होता है, यानी कि उनको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में नॉलेज नहीं होता है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का उनको अच्छा नॉलेज होता है। तो खासकर 12th PCM वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास ऑनलाइन में या आपके पास मार्केट में कोई बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की बुक अवेलेबल है तो आप उसे खरीद लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग की बुक नहीं मिल पा रही है तो आप अदर सोर्सेज का यूज कर सकते हैं, जिनमें आपका इंटरनेट हो गया, खासकर यूट्यूब हो गया। इसके अलावा अगर आपके आसपास किसी ने भी सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं 60, उनकी तैयारी नहीं करेंगे तो इस ग्रुप में क्वालिफाई करना आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बात करते हैं कि हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की तैयारी किस तरीके से करनी है। दोस्तों, जो आपका PCM वाला पोर्शन आ रहा है, जिसमें कि आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें आपका मैथ से लगभग 20 क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री से लगभग 10-10 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद रहती है। ऐसे में अगर अपने अपने 9th से लेकर 12th का जो टाइम रहता है, इसमें अगर NCERT की बुक से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। बट अगर आपने NCERT की बुक नहीं पढ़ी है, अगर आपने स्टेट बोर्ड की पढ़ी है, फिर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। GCAP का सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको आसानी से सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो बस आपको अपनी खासकर 9th और 10th पे ज़्यादा फोकस करना है, और 11th 12th पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे फिर भी चल जाएगा, बस उनकी तैयारी अच्छे से करनी है। लास्ट टाइम में उनका बस आपको रिवीजन कर लेना है, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आपके पास टाइम कम है या आपका एग्जामिनेशन नज़दीक आने वाला है तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस तरीके से रहने वाली है, और आपकी फाइनल जो स्ट्रेटजी रहेगी तो वो क्या रहेगी। दोस्तों, अगर आपको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की बुक नहीं मिल पाती है, या अदर सोर्सेज से भी आपको सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं हो पाता है, या अगर आपका PCM वाला पोर्शन कमजोर है, आप इसका रिविजन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको अपनी तरफ से एक टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप मार्केट में जाएंगे या ऑनलाइन जाएंगे तो वहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल रहती हैं। तो उसमें तो अगर आपका ग्रुप K1 है सिविल इंजीनियरिंग वाला, तो आप ग्रुप K1 की बुक है उसे परचेज कर सकते हैं और उस बुक से तैयारी कर सकते हैं। हालांकि उस बुक में ये एक आपका छोटा सा नुकसान रहता है, क्योंकि एक ही बुक में सारा कुछ दिया होता है, ऐसे में बुक वो थोड़ी सी आपकी पतली रहती है और ज़्यादा मटेरियल उसमें नहीं आ पाता है। बट वो बुक आपके रिविजन के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, तो उससे आप सिविल इंजीनियरिंग का भी एक बेसिक सा नॉलेज आपको हो जाएगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का भी आपका अच्छे से रिविजन हो जाएगा। तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इसके अलावा जब आपका एग्जामिनेशन नज़दीक आ जाए, आपका जो पेपर होने हैं वो उसमें काफ़ी कम टाइम बचे, जैसे कि 10 या 15 दिन का, तो ऐसे में अगर आपको प्रैक्टिस सेट और जो टेस्ट की बुक आती है वो मिल जाए, या कहीं अदर सोर्स से भी आपको प्रैक्टिस सेट या टेस्ट देने का मौका मिले, तो आप एक बार प्रैक्टिस सेट और टेस्ट को जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि आपके अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी कमियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, आप कहाँ कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज आप पहले से कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। तो फाइनली बात करते हैं कि हमको कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्या हमारी कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन रहती हैं।
दोस्तों, अगर हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत तो कोई भी ग्रुप के में, जैसे हमारा ग्रुप रहता है K1, K2, K3, K4, तो उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि खासकर उस पर आपको जो इंजीनियरिंग वाला पोर्शन रहता है, जो टेक्निकल वाला पोर्शन रहता है, उस पर आपकी पकड़ होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसकी आपकी पकड़ है अच्छी नहीं है तो आपके हाथ से इस ग्रुप में एडमिशन लेने का जो चांस है वो निकल जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि कितने नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो ये तो डिपेंड करता है उस साल की कट ऑफ पे, बट अगर मैं आपको एवरेज बताना चाहूँ तो लगभग आपके अगर 200 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी पूरी संभावना रहती है। यानी कि अगर आप 200 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो बस आपको सिविल इंजीनियरिंग की अच्छे से तैयारी करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की अच्छे से तैयारी करनी है, और लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सॉल्व करना है। इस तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन कम्प्लीट हो जाएगी और आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।